वो हथियार नीचे करो जल्दी। तुम इसे ऐसे भागने नहीं दे सकते। उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने बहुत देर कर दी। गलत, मेरी टाइमिंग सही है। ये तुम क्या कर रहे हो? धमाके के साथ विलगैक्स को भेज रहा हूं और फिर धड़ाम, विलगैक्स खत्म हो गया। आज तक मैं ऐसा ही समझ रहा था। वाओ, आप एक हीरो थे। मैं तो बस अपना काम कर रहा था बेन। एक्सक्यूज मी, पर आपका काम आखिर था क्या? हम अपने आप को प्लम्बर्स कहते थे, ये तो बस नाम के लिए था। हम असल में ऐसे प्रॉब्लम्स ठीक करते थे जो कोई और नहीं कर पाता था, जैसे दूसरे ग्रहों से जुड़े या कोई भी अजीब गरीब प्रॉब्लम्स। यानी मैं जो इतने वक्त से हीरो बन रहा हूँ, आपके रास्ते पर चल रहा हूँ, मैं एक प्लम्बर हूँ जो ट्रेनिंग पर है। और आप उस वॉच के बारे में सब कुछ जानते थे? पूरी तरह से नहीं, बस कुछ अफवाहें सुनी थी। जब वो बेन की कलाई पर आई तब मैं भी तुम लोगों की तरह हैरान था। आप हमेशा कहते हैं कि हम आपको सब बता सकते हैं ग्रैंडपा, पर शायद आप नहीं बताते। ऑलराइट, लगता है प्लम्बर्स के काम पर जाने का वक्त हो गया है। सबसे पहले तो तुम अपने दिमाग का कचरा साफ करो मिस्टर प्लम्बर। तुम इस फैमिली बिजनेस का हिस्सा नहीं हो, इसलिए तुम जलती हो ग्वेन। ये कोई फैमिली बिजनेस नहीं है बेटे, मेरे हीरो वाले दिन कब के खत्म हो गए। पर ग्रैंडपा, मेरे वाले तो बस शुरू हो रहे हैं। बेन रुक जाओ, अब आएगा एक्सेलरेट। रिपजॉस, ये तो चीटिंग है। एक भयानक जानवर अंदर सब तहस नहस कर रहा है। सॉरी, वो जरा मुझे गंदी लग रही थी। अच्छा, तो कौन है वो बदमाश जो हम जानवरों को बदनाम कर रहा है? तुम गलत वक्त पर एलियन बने हो दोस्त। इससे तो मैं और ताजा महसूस कर रहा हूँ। किसी ने यहाँ एक बड़ी सी बोलने वाली मछली देखी है? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? शायद आज का दिन मेरे लिए लकी है, एक एलियन के साथ दूसरा फ्री। यहीं बैठो बदसूरत मछली, मैं अभी वापस आता हूं। यहां की रूम सर्विस अच्छी है। मछली हूँ। मुझे यहाँ से जाना होगा। बेन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस थोड़ा सा, उस पागल ने तो मुझे लगभग मार ही डाला था। मैक्स, फिल,
आप इस आदमी को जानते हैं ग्रैंडपा? अरे तुम जानने की बात करते हो, हम पार्टनर्स हुआ करते थे। हाँ ये गाड़ी देखने में खास तो नहीं है, पर तुम्हारी उस जंग लगी आरवी से तो बेहतर है जो तुम चलाया करते थे। तो कैसे हो तुम? बढ़िया हूँ, खासकर इसलिए कि मैंने अभी एक हैवोक बीस्ट को पकड़ा, पुराने दिनों की तरह। आपने उसे पकड़ा? छोड़िए छोड़िए, वो तो रिप हैवोक बीस्ट। हाँ मैंने उसे आखिरी बार तब देखा था जब सालों पहले हमने उसे डेनवर में पकड़ा था। हाँ अच्छा हुआ जो मैं यहाँ था। वैसे भी एक प्लम्बर तो हमेशा प्लम्बर ही होता है। ये काम दोबारा शुरू करने की सोची है मैक्स, मतलब पुराने दिनों को फिर से जीने की? नहीं थैंक्स, मैं रिटायर हो चुका हूँ और मेरे अंदर का प्लम्बर भी। हाँ तुम्हारी वजह से, जब तुमने विलगैक्स को हरा दिया था तब सारा काम जैसे बंद ही हो गया। मैंने बस अपना फर्ज निभाया। हाँ वैसे हालात फिर से पहले जैसे बनने लगे हैं। सच कहूँ तो मैं फ्रीलांस प्लम्बर बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ। वाओ बढ़िया वॉच है, कुछ जानी पहचानी सी। होगी क्यों नहीं ये वॉच। हाँ बहुत देर हो चुकी है। वेल हमें जाना है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा फिल। हैप्पी प्लम्बिंग। मैं कुछ समझा नहीं, आपने फिल को ओमनीट्रिक्स के बारे में क्यों नहीं बताया? ये सब सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बताना चाहिए बेन, जितने कम लोगों को पता हो उतना ही अच्छा। आप हर बात के लिए यही जवाब देते हैं ना ग्रैंडपा। हे हम फिर से प्लम्बर्स वाला काम शुरू करें? आप मैं और फिल हम तीनों मिलकर एलियंस की खूब पिटाई करेंगे। बहन मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरा काम पसंद है, पर अतीत को वापस जिंदा नहीं किया जा सकता। मैक्स तुम सुन रहे हो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाईवे 44 पर दो वल्प मैंसर्स एक मीट प्रोसेसिंग प्लांट में तबाही मचा रहे हैं। वल्प मैंसर्स? ऑलराइट, लगता है टेनिसन फिर से प्लम्बिंग बिजनेस शुरू कर रहे हैं। मुझे ठीक नहीं लग रही। फिल, मैक्स शुक्र है कि तुम आ गए। दो एलियंस भयानक, हमें अपना पुराना जादू फिर से जगाना होगा। कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे। ये तुम्हारे दोस्त हैं? वाइल्ड मर्ड्स, शायद मैं उनसे बात कर सकता हूँ। बेन, अभी ये बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी, ये तो ओमनीट्रिक्स है। तो क्या कहा तुमने? वल्प मैंसर्स कभी छोटी मोटी बातचीत नहीं करते, अपनी नस्ल वालों के साथ भी। पार्टनर्स किस लिए होते हैं? मुझे छोड़कर कोई वेजिटेरियन डिश खा लो ना। आई एम सॉरी बेन, एक वल्प मैंसर को रोकने का यही तरीका है। हाँ हमारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हारे पास एक सोनिक पिच विसल थी। यानी
सारी कहानियां सच हैं। ओमनीट्रिक्स सच में मौजूद है। और बेन, तुम्हारे मूव्स काफी अच्छे थे। मुझे तुम्हारे ग्रैंडपा के पुराने दिन याद आ गए। सचमुच? फिल, संभाल कर। तुम मुझ जैसे तगड़े आदमी पर हमला क्यों नहीं करते? बिल्कुल पुराने दिनों की तरह है ना? लगता है ये एक नई पार्टनरशिप की शुरुआत है। किस्मत की बात है कि हम सब मिले। शानदार स्वीट है, तुम्हें काफी महंगा पड़ा होगा ना? मैंने मैनेजर को उस एलियन से छुटकारा दिलाया तो उसने बदले में मुझे यहाँ रहने दिया। और यकीन मानो, ये तो सिर्फ एक मामूली सी शुरुआत है। पता है बेन, तुम एक कमाल के प्लम्बर बनोगे। बेशक तुम अपने ग्रैंडपा की परछाई हो। हमारी टीम बहुत मजबूत होगी। तुम्हारे पावर्स, मैक्स का तजुर्बा और मेरा दिमाग, ये सब हमें बहुत ताकतवर बनाएंगे। क्या ख्याल है? मैं सोच रहा हूँ, ये एक अजीब सा इत्तेफाक है कि एक हाइपर विजल और दो मेगामट्स एक ही दिन कैसे बाहर आ गए। एलियंस, उनका क्या भरोसा? मैं जरा टहल कर आता हूँ। Hey kids, मेन्यू कार्ड में से जो कुछ मंगवाना चाहो मंगवा लो। अब ये हुई ना कुछ बात। कुछ तो जरूर चल रहा है जो ग्रैंडपा हमें नहीं बता रहे। अब चलो। अब मूव का खाना छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं, यही रुकूंगा। तुम ठीक कहते हो, कोई सीक्रेट प्लम्बर मिशन होगा और हम बीच में ना ही पड़े तो अच्छा है। ग्रैंडपा यहाँ नहीं है और ना ही फिल, पर वो जा कहाँ सकते हैं? अगर ग्रैंडपा को लगता है कि उस एलियन वीजल और उन स्पेस मर्ड्स के बीच कोई संबंध है तो यहाँ एक ही जगह है जहाँ हम देख सकते हैं। ठीक से पकड़े रहना, कहीं तुम उड़ ना जाओ। वो गायब है। इसे ढूंढ रहे हो? नल वॉइड प्रोजेक्टर। मुझे लग रहा था मैंने उन एलियंस को पहले भी देखा है। तुमने नल वॉइड प्रोजेक्टर चुराया ताकि तुम उन एलियंस को छोड़ सको जिन्हें हमने पहले पकड़ा था। तुम तो हमेशा से बहुत ही स्मार्ट थे मैक्स, पर मेरे साथ हाथ मिलाने से इनकार करना बेवकूफी थी। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? पापी पेट के लिए। मैं एक एलियन को छोड़ता हूँ, फिर उसे पकड़वाने के लिए कोई मेयर या होटल का मैनेजर मुझे पैसे देता है, थोड़ी कमाई हो जाती है। मगर मैं तुम्हें ये सब करने नहीं दूंगा। हाँ, मैं जानता था तुम यही कहोगे। सच में हम एक बहुत अच्छी टीम बना सकते थे। और घबराओ मत, मैं बेन को जरूर बता दूंगा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो मेरा पार्टनर बने और तुम्हारे नक्शे कदम पर चले। ये क्या? तुम तो एक प्लम्बर नहीं हो, तुम तो एक लूजर के अलावा कुछ नहीं हो। बेन, मेरी बात सुनो, हमें तुम्हारे ग्रैंडपा की जरूरत नहीं है। हम प्लम्बर्स बनकर नई शुरुआत कर सकते हैं, बस तुम और मैं। भूल जाओ, और अब मेरा इरादा बिल्कुल नहीं बदल सकता। ये सुनकर अफसोस हुआ। एक पुराने दोस्त से तो मिलो, एक विक्सेलियन और बीस्ट। मैं यहाँ जरूर रुकता, पर मुझे बहुत सारा काम है।
कौन कहता है जुर्म करने से फायदा नहीं होता? कम से कम 200, पर वो एक दूसरे डायमेंशन में जाने का रास्ता है, इसलिए उसके अंदर लाखों एलियंस हो सकते हैं। ज्यादा होशियारी मत करना। नौकरी ढूंढना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब ये चीज तो गई। ऑटो पायलट शुरू हो गया है। अच्छा आइडिया है, हम उनका ध्यान बटा सकते हैं। मुझे रूडिमेंट्री मोटर कंट्रोल मिलेगा। काश मुझे मेरी बात समझ में आती। पीछे हटो छुटको, वरना मैं हर एक एलियन को तुम पर छोड़ दूंगा। फिर तुम्हारी नौकरी का क्या होगा? तुम इस बारे में फिर से सोच लो, हम सब मिलकर काम कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ये हीरो बिकाऊ नहीं है। तो फिर तुम सब इन एलियन से निपटने में ही बिजी रहोगे। सॉरी, मेरी छुट्टियां चल रही है। बेन! छुटकारा पाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब किसकी बारी है? और ये आखिरी वाला भी गया। आई एम सॉरी, मैंने इतने वक्त तक अपना अतीत तुम लोगों से छुपा कर रखा। मुझे तुम लोगों पर भरोसा रखना चाहिए था। कोई बात नहीं, पर एक बात तो माननी पड़ेगी बेन, तुम एक बेहतरीन प्लम्बर बनोगे, तुम दोनों। Hey, हम आपके पोते हैं, बेस्ट कैसे नहीं होंगे? मगर फिल का क्या? मेरे ख्याल से कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में ना पता होना ही अच्छा है।